भाई राम राम विजय गांव नाथूपुर भाई। मैं ना कई दिन से पहले तो एक वीडियो देख रहा था, फिर हम बॉबी को ले आए थे, बातचीत हुई बॉबी से भी बात करी थी हमने, फिर उसने बताया भाई ऐसे ऐसे कहा था मेरे साथ, फिर उसने माफ़ी वाफ़ी मांग ली, वो सब हो गया था। फिर मैंने उसके बाद 5-7 वीडियो और देखी अपने भाई जाट समाज के भाई थे, अपनी वीडियो बना के डाल रहे थे कि भाई आपने क्या है, बॉबी से तो माफ़ी मंगवा ली, अजय से कौन माफ़ी मंगवाएगा, आप बॉबी को तो ले आए हो, तो ऐसे के नहीं होगा ना भाई, दोनों की सुनो ना। फिर भाई हमें भी लगा कि हमें एक की नहीं दोनों की सुन के करनी चाहिए, फिर हमने अजय से कांटेक्ट किया, अजय से भी बात हुई है, फिर अजय को बुलाया, अजय से आज हमने अजय बुलाया, आज अजय की भी सुनी है कि अजय भाई आके बता क्या बात है भाई, क्या है इन्हों की वजह से दो आदमी हैं हमने जो सुना है, और अभी अजय भी बताएगा और फिर बाद में मैं भी बताता हूँ, अभी सुनो पहले इन दोनों की आपसी लड़ाई है, इन्हों की वजह से क्या है हमारे ना समाज में बहुत जहर बढ़ गया, आपस में इतना जहर हो गया कि हम भी कहीं बैठ रहे हैं यही जाट गुजर आपस में गाली दे रहे हैं। अरे वैसे तो हम ये कहते हैं कि हमारा समाज एक है भाई, जाट गुजर एक है, जब एक है हम जाट को गाली दे रहे हैं तो वो माँ बहन को, वो हमारी माँ बहन नहीं है, वो भी तो हमारी बहन है, और जब वो जाट भाई गुजर भाई बहनों को उनको गाली देते हैं उनकी वो नहीं है। भाई मेरा कहने का मतलब ये है, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है भाई ये सब ना खत्म करो, जाट गुजर की लड़ाई है खत्म करो, जाट भी हमारे भाई है, गुजर भाई सारे मिलके भाई जो भी है या आगे करो, या बीच जो गलत वीडियो बन रही है इन वीडियो को खत्म करो और अच्छी वीडियो डालो दोनों भाई मिलके, और ये अजय चेची है और ये जो है बॉबी कटारिया, इनकी जो लड़ाई है इनको लड़ने दो, ये बॉबी कटारिया इससे लड़े या चेची उससे लड़े, तो ये जो हमारा जातिवाद जो बीच में है इसको खत्म करो, हमारे जाट भाई गुजर भाई सारे कोई मन में मेल ना होना चाहिए आराम से। ये नहीं भाई कि अपने की जाट गुजर ही, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ हमारी 36 बिरादरी एक है भाई, हम सब एक हैं। अरे एक ये वीडियो मत बना, ये छोटी मोटी वीडियो बना के दारू पी के डाल दी, सुबह माफी मांग ली, अरे हम तो भाई इतिहास रचने वाले हैं, दोनों मिलके सारे मिलके ना इतिहास रचो ना। और अभी पहले आप भाई की अजय की सुनो, अजय बताया क्या 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 है, हमने भी इसकी सुनी है, अपनी अजय बात रख भाई। अजय भाई तुम सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाई को राम राम, सभी बहनों को राम राम, सभी माताओं को, मेरे जो भी मुझे देख रहे हो मुझे सुन रहे हो, मैं एक मैसेज सबसे पहले मैं देना चाहता हूँ कि भाई मैंने कभी भी मैंने जाट समाज के बारे में कभी एक शब्द भी गलत नहीं बोला, कभी भी कोई फुटेज को निकाल के फ्यूचर में भी मैं गारंटी देता हूँ, मैंने कभी भी जीवन में कभी भी नहीं बोला मैंने कि भाई कि जाटों के बारे में बोला हो, बचपन से लेकर आज तक नहीं बोला, कोई रिकॉर्डिंग ऐसी नहीं है, कोई कमेंट ऐसे बता दो कि मैंने जाटों के बारे में कुछ बोला हो, तो ये पता नहीं कैसे इशू बना दिया बिना मतलब कि भाई मैंने जाटों के बारे में कुछ बोला है, तो कभी मैंने भाई नहीं बोला, तब जाटों के समाज के बारे में नहीं, मैंने किसी भी समाज के बारे में, किसी भी कम्युनिटी के बारे में, 36 बरादरी के बारे में मैं किसी के बारे में नहीं बोला, मैंने तो भाई जो रोड पर जो ना जो रिक्शा चलाता है ना मैंने उसकी भी इज्जत करी है, उनका भी एक अपना समाज होता है, मैंने तो उन तक के बारे में कभी गलत नहीं बोला, और मैं एक अच्छे सभ्य समाज से आता हूँ, और एक मैं एक मेरे पास फादर आर्मी में थे, फौजी का बेटा हूँ और अच्छे संस्कार दिए हैं, मैं अच्छे स्कूल में मेरी परवरिश हुई है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरे साथ में क्या है कि पीछे कुछ ऐसा हुआ है कि मुझे बोलना पड़ गया, रिएक्ट करना पड़ गया, मैं वो आप बताता हूँ आपको भाई। ये हुआ क्या था कि जब ये बॉबी कटारिया जेल में गया था तो मैं इसको पहले से नहीं जानता था, मैं इसकी सपोर्ट में आ गया, मैं यार ये समाज के लिए अच्छे काम करता है, वीडियो वगैरह मैंने इसकी देखी हुई थी, तो उस टाइम जब मैं सपोर्ट में आया था तो मैं ये सोच के नहीं आया था कि भाई कि वो बॉबी कटारिया जाट है और मैं गुजर हूँ, मैं एक इंसान के लिए आया था, इंसानियत के लिए आया था मैं उस टाइम, तो मेरे अंदर जो ना ये धर्म ये जातिवाद जो ना सब ये ना कट्टरवाद इतना मेरे अंदर पहले से ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है, तो क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है कभी भी, तो उस टाइम अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं इसके सपोर्ट में क्यों आता मैं, क्योंकि मैं बसई गाँव गया, वहाँ जाके मैंने एड्रेस पूछा जाके हम लोग सपोर्ट में आए, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ कि जो बाद में जब ये जेल से बाहर आया तो हमने इसका जो रूप देखा वो बहुत ही अलग ही निकला, हमने तो देखा कि यार ये तो हम किसकी सपोर्ट कर रहे थे, इवन जो मंजू सिंह है जो मेरे घर में 5 दिन रह के गए थे उस टाइम जब ये जेल में था, उन दौरान कुछ मेरे पैसे का लेन देन भी था, पैसे लिए, कमिटमेंट की कि वापस करेंगे, इन्होंने नहीं किए, फिर मेरे घर से कुछ ऐसा था कि थेफ्ट केस हो गया, इन्होंने कुछ मतलब निकाल कर ले गई, उसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी थी, ये
अप्रैल मई की बात है, उस टाइम मैंने जब जेल से बाहर आने के बाद पहले तो मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया, कॉन्टैक्ट करने के बाद ठीक है जी, नहीं सबको एक लोग नए जुड़े हैं उनको पता नहीं है मैटर पूरा, कोई नहीं शॉर्टकट में बता दो। तो भाई फिर क्या हुआ कि विवाद बढ़ता गया, मैंने कंप्लेंट भी लिखवाई, इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ, बॉबी मंजू इन्होंने जो भी था इनके खिलाफ, मेरे पैसे का लेन देन था वो मैं लड़ रहा था, इन्होंने क्या करा उसको गाली गलौज शुरू कर दी मेरे साथ में, सात महीने से इन्होंने क्या कि मेरे को तंग करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने भी भाई थोड़ा सा क्या कि आवेश में आके मैंने भी कुछ कमेंट किए हैं, गलत, मैं ये नहीं कहता कि मैंने कमेंट, मैं कोई वो अच्छा काम नहीं है, मैंने भी वो गलती की है, लेकिन मैंने कभी भी माँ और बहन के बारे में नहीं बोला है, मैंने कभी किसी को समाज के बारे में बोला है। हाँ, मंजू सिंह के बारे में कुछ बोल दिया था, वो फोटो, एक फोटो दिखाया था, फोटो के ऊपर लिखा हुआ है, चलो वो जो भी फोटो के ऊपर लिखा हुआ है भैया मैं वो डिलीट कर दूंगा अपने यहाँ से, और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मंजू बहन जी, आप बॉबी कटारे की बहन, जैसी बॉबी कटारे की बहन है ऐसी हमारी भी बहन है, ठीक है, हमारी आपका जो पुलिस जो कंप्लेंट है, जो केस है, वो एक कानून तरीके से है, उसमें हमारी आपका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, कभी फोन पे हमारे कोई गाली गलौच नहीं हुई आपस में, तो वो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सही है कौन गलत है, लेकिन बहन जी हम आपसे क्षमा मानते हैं कि भाई आपके लिए जो भी बोला हमने, ठीक है जी, आपको शिकायत है जी, मैं तो कहता हूँ अगर बिल्कुल, मैं जो है मंजू कुंडू है, मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ कि आप मेरे बारे में प्लीज मेरे परिवार के बारे में कभी मत बोलो, और मैं आपके बारे में भी फ्यूचर में कभी कुछ नहीं बोलूंगा। चेची भाई या जाट बिरादरी को जो भी है ना सब करके, मतलब इसको हाथ जोड़ के सबसे जो भी है गलती आपसे हुई है, आपकी पहले आपकी तरफ लेता हूँ जी, बताइए। ये जो हमारे जो जाट गुजर है, जो हमारी एक ही बिरादरी है, जिसकी वजह से आप दोनों का जो हो रहा, आप दोनों लड़ो जितना मन गए आप लड़ो दोनों, पर ये पीएफ बिरादरी है, और मैं भी सारे जाट भाई गुजर तक कह रहा हूँ, या विवाद बंद करो भाई, या तो दिक्कत ही होगी, और या ना तो अगर ज्यादा चल रहे बॉर्डर चलते सारे और लड़ाई लड़ेंगे। रमना भाई मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मैंने दोनों पहले बताओ, मैं भाई योगेश सेजवाल जाट समुदाय से हूँ, मैं आपको एक बात बताऊँ, दोनों भाइयों की मैंने बात सुनी है, बॉबी की भी और भाई की बात सुनी है, इसमें हमारे कोई समुदाय का कोई, या तो गुजर भाई गुजर समाज का या जाट समाज का कोई रोल नहीं है, इनमें दो आपसी लड़ाई इन दोनों की आपस की, और वो इशू बना दिया एक समाज के ऊपर, और डेली वीडियो अपलोड हो रही है कि भाई गुजरों ने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बोला, उनकी माँ बहने करी, उनकी माँ बहने करी, तो भाई हमारा भाईचारा है आपस में सबके, आप जितने भी होंगे सबके दोस्त होंगे, कोई जाट होंगे कोई गुजर होगा, सब आपस में उठना बैठना सबका, क्या उनका हमारा भाईचारा नहीं है, भाईचारा होगा तो हमारी भाई बहन होगी सब, तो एक दूसरे को गाली देने का मतलब हम अपने आप को गाली दे रहे हैं, तो बेटर ये रहेगा भाई कि इन दोनों की लड़ाई इन दोनों पर छोड़ दो, जैसे भी लड़ते हैं जो लड़ते हैं वो इनका आपसी है, हमें नहीं पता इनकी क्या कहानी है, किस बात के ऊपर लड़ाई है, बाकी हम मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है भाई, आपस में एक दूसरे समाज के ऊपर कुछ मत बोलो, ना किसी से लड़ाई करो, सिंपल सी बात है भाई, आपस में मिलकर रहो, भाईचारा बनाए रखो, और बाकी भाई हमारे बताएंगे विजय भाई। जी भाई, भाई ऐसा है, अभी ना भाई ने हमें दिखाई थी इनों की, आज से नहीं, इनों की ना 6-7 महीने से चल रही है आपस में लड़ाइयाँ जो चल रही हैं फेसबुक पे ना, ये कटारिया ने इसको पहले कुछ दे रखी है, फिर भाई ने कुछ डाल दी, तो ये नहीं कि आज की इनों की आपस की लड़ाई है, ये हमारे ना हमारी बिरादरी में मत करो, और भाइयों मेरे तो हाथ जोड़ के भाइयों से सबसे रिक्वेस्ट ये है, ये ना ये जो अभी बना रहे हो ना बीडी, ये वीडियो छोटी छोटी वीडियो, आप कभी कोई क्या डाल देता है, कभी कोई क्या डाल देता है, भाई ये गलत सलत मत डालो बिल्कुल भी इनों से ना, हम भी बहुत जो बाहर भीतर लिगड़ता बढ़ता है ना भाई, ये जहर लिगड़ता है, बाहर बैठते हैं ना ये तो गुजर है, ये जाट इनों की तो आपस में ये हो रही हो, भाई हम सब एक हैं, अगर कहना है ना आपके, मान लो आप ये कह रहे हो मेरी माँ के लिए कहा, मेरी बात उसके लिए बोल दिया, एक कन्हैया आया JNU में, उसने अभी बीच में कहा था ना कि भाई तेरे इतने टुकड़े होंगे, भारत माता के टुकड़े, अरे वो तो भारत माता हमारी माता नहीं है, जब उसने, मैं तो जब जानू जाट भी गुजर भी सारे जो अब ये वीडियो डाल रहे हो ना, उस छत्तीस बिरादरी उस कन्हैया के लिए वीडियो डालो ना आप, अगर तुम ये तो डाल दे कि मेरा नाम होगा, मैं चमकूंगा, मेरी ये वो बढ़ जाएगी, मुझे दुनिया जानने लगेगी, अरे उस कन्हैया के लिए डालते ना एक बारी, अगर तुम में वो, अगर एक बारी करके जो जाट गुजर आपस में पीछे लग रहे हो ना, उस कन्हैया के जो टुकड़े कर रहे थे ना वो, उस वो भी तो हमारी माँ है, भारत माता किसकी माँ है, जब हम यहाँ देश में रह रहे हैं तो भाई वो हमारी माँ है, उसके लिए बोलो ना, और भाई मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट यही है, आज से अगर इसकी अजय ने डाली या उसने डाली, पंचायत करके इनों की नाक रगड़वाओ, कुछ मत करो, और भाइयों ये वीडियो मत बनाओ, बस
क्योंकि ये भाई ये जहर बढ़ रहा है, इस जहर को खत्म कर दो। और कल परसों अभी ना मैंने एक संदीप भारती की वीडियो देखी थी, भाई संदीप हम तेरे साथ हैं, बहुत अच्छी वीडियो, तेरी बहुत अच्छा काम कर रहा है, जहाँ कहेगा हम ये नहीं, हमारा समाज भी भाई तेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत भाई, सारे भाई ने राम राम जी भाई। किसी भाई साहब हमारे भाई ने जी भाई आप ये हमारे रिश्तेदार पिलंजीत जी भाई हमारे ये भी बहुत आए पिलंजीत भाई राम राम जी सब दिखा दें भाई राम राम जी अबे हमारे राम राम जी भाई राम राम भाई राम राम भाई हमारे YouTube चैनल दैनिक विजय न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सभी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सकें।